मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ओपन पंजाबी कोर्स बुक बुक पेज नंबर 48 पार्ट 7 कविता मित्रता। मित्रता मीन्स दोस्ती। अंडरलाइन द टफ वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग ऑल्सो। इस बेटा इस कविता विच कवि सच्चे मित्र दे गुणा दा नूं बयान कर रहा है अते व्यक्ति दे जीवन विच सच्चे मित्र दा की महत्व है उस बारे दस रहा। लेट्स रीड कविता। करदे पलक राखी जीकर नेत्रां दी एवें मित्रां दी राखी करन मित्र। जिवें अखां दी राखी कौन करदियां ने अपनी पलकां। पलकां की हुंदियां ने बेटा अख दे बाहरी किनारे ते उगे वाल हुंदे ना, जिस तरह अपने अखां नेत्र हुंदे अखां, जिस तरह अपने अखां दी राखी बार पलकां करदियां ने एवें मित्रां दी राखी करन मित्र। ऐसे तरह ही मित्र ही दूजे मित्र दी रखवाली करदा है। मित्र हथ हुंदे सच्चे मित्रां दे अते मित्रां तों पहलां मरन मित्र। मित्र की हुंदे ने सच्चे मित्र की हुंदे ने दूसरे मित्र दा की हुंदे ने हथ सज्जी बांह हुंदे ने। मित्रां तों पहलां मरन मित्र। कोई भी मुसीबत आउंदी तां जिहड़ा मित्र हुंदा ओह पहलां कुरबान होण नूं तैयार हुंदा। मच्छी तड़फदी नूं जीकर मिले पानी एवें मित्रां दे मिले तों ठरन मित्र। जिस तरह मच्छी जिहड़ी पानी बिना तड़फ रही हुंदी जदों उस नूं पानी मिल जांदा है तो किस तरह शांति महसूस करदी, उसे तरह ही जदों मित्र एक दूजे नूं मित्र मिलदे हन तां ओह किवें शांति महसूस करदे हन, जदों जिवें मच्छली नूं पानी मिलन ते शांति महसूस हुंदी है। ब्रह्मदेव जो कोई नहीं जर सकदा ओह कुछ मित्रां दी खातर जरन मित्र। ब्रह्मदेव इत्थे किस नूं कहा गया, कवि नूं। कवि कौन है, स्वामी ब्रह्मदेव। कह रहे कि जो नहीं जर सकदा, जो कुछ नहीं सह सकदा ओह कुछ मित्रां दी खातर जरन मित्र। ओह मित्र ही हुंदे हन जो एक दूसरे वास्ते सहंदे हन। पुन्ना वालियां ताई नसीब हुंदे उत्तम संग सुहावना मित्रां दा। नसीब हुंदा प्राप्त होना, संग हुंदा साथ, सुहावना मीन्स सुखद। उन्हां ने चंगे पुन कीते हुंदे हन, उन्हां दे नसीब चंगे हुंदे हन, जिन्हां नूं की हुंदा चंगे वधिया मित्रां दा की हुंदा साथ प्राप्त हुंदा। रल के बैठना बोलना मित्रां दा, मिल के हसना खावना मित्रां दा। मित्र की हुंदे ने किवें बैठदे ने, रल के बैठदे ने, रल के बोलदे ने, मिल के हसदे ने, मिल के खांदे ने। जिहड़े सच्चे मित्र हुंदे ने रल के बैठदे ने, रल के बोलदे ने, रल के हसदे ने, रल के खांदे ने। शादी गमी दे विच शरीक होना दुख सुख वंडावना मित्रां दा। जिहड़ा सच्चा मित्र हुंदा की हुंदा, शादी व्याह शादी विच दुख विच गमी हुंदी, दुख शरीक होना विच शामिल हुंदे ने, हर दुख सुख विच शामिल हुंदे ने, व्याह शादी विच शामिल हुंदे ने। एक दुख सुख की करदे ने वडाउंदे ने, सच्चे मित्र की करदे ने, एक जिहदा दुख सुख वडाउंदे हन। ब्रह्मदेव मित्रां नूं अमृत जापदा है किसे समय भी आवना मित्रां दा। जद मित्र चाहे जदों मर्जी आवे बिना आपां नूं दस्सियां विकारां आउंदा तां आपां किस तरह जापदा है, जिवें अमृत मिल गया होवे आपां नूं। नेक्स्ट, जिहड़े बंदे नूं तुसीं दिलदार समझो उस दे विच आदर्श त्याग होवे। जिहड़े बंदे नूं अपना दिल दे नेड़े समझदे ना उस दे विच की हुंदा है, कुर्बानी करन दा जज्बा हुंदा है। सहनशीलता ते विश्वास होवे ओह उस दा जीवन बेलाग बेदाग होवे। की होवे उस विच केड़े गुण होने चाहीदे, सच्चे मित्र विच बर्दाश्त करन दी शक्ति होनी चाहीदी है ते विश्वास होना चाहीदा। उस दा जीवन कियो जिहा होना चाहीदा, बेदाग मीन जिस दे उत्ते कोई कलंक ना लग्या होवे भैड़े कामां करन। सूरवीर दाता गुणशील होवे उसका सुचा ते गुड़ा अनुराग होवे। सूरवीर हुंदा बहादुर, दाता कहिंदा दानी। उहदे विच किहो जे गुण होने चाहीदे ने, बहादुर सूरवीर वाले, बहादुरी वाले, दानी वाले, दानी होना चाहीदा। उसका सुचा ते गुड़ा अनुराग, उसका प्यार किहो जिहा होना चाहीदा, सुचा ते गुड़ा होना चाहीदा। ब्रह्मदेव दिल साफ प्रशोच होवे उत्तम वंश पवित्र प्रयाग होवे। कवि की कह रहे है कि उस मित्र दा दिल क्यों जाना चाहिए, शीशे वांगू साफ होना चाहिए अते उत्तम वंश पवित्र मीन्स उनका खानदान, उनका जिहड़ा परिवार क्यों होना चाहिए उत्तम वधिया होना चाहिए। जिस तरह पवित्र प्रयाग है पवित्र स्थान, पवित्र स्थान की तरह उसका की होना चाहिए परिवार, वंश की होनी चाहिए साफ होनी चाहिए वधिया होनी चाहिए।